तो हेलो गाइस, अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो यार एक्स्ट्रा को लेकर, आप लोग प्लान कर रहे थे इस कार का कि इस कार को लिया जाए या ना लिया जाए, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके कुछ डाउट्स तो ऑब्वियसली जरूर क्लियर हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा एक्स्ट्रा को लेके। मैंने इस कार का ड्राइव रिव्यू भी शेयर किया था अपने चैनल पे, तो आज सब कुछ बताऊंगा इसके क्या पॉजिटिव है, इस कार के क्या नेगेटिव है, ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या किन लोगों को ये कार कंसिडर करनी चाहिए। तो भाई सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे फील होता है इस कार में, जिस तरह से हुंडई ने इस कार को प्रमोट किया है, मिड साइज एसयूवी करके हुंडई इस कार को लॉन्च करा था, तो मुझे जो पर्सनली फील हुआ इस कार को ड्राइव करने के बाद, और तो वो सिंपल यही था यार कि जब भी आप इस कार में बैठोगे तो आपको वो एसयूवी वाला फील इस कार में नहीं आने वाला, ये आपको थोड़ा थोड़ा हैचबैक जैसा फील देगा। बिकॉज इस कार की जो सिटिंग पोजीशन है, आप कोई अपराइट स्टांस में नहीं बैठते हो, आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो लो ही रहती है, हैचबैक से थोड़ा सा ऊपर आपको जरूर फील होगा, बट फिर भी वो एसयूवी वाला फील आपको इसमें बैठ के नहीं आने वाला। तो जिस तरीके से कंपनी इसको प्रमोट कर रही थी कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कार है, वो फील इस कार में कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो वो फील आपको इस कार में नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट नेगेटिव जो मैं बोलना चाहूंगा, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस कार को लेके, कि मुझे इसके जो इंटीरियर है उसको लेके यार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। बिकॉज हुंडई सेम इंटीरियर लेके आए, तो उससे आप जब भी कार के अंदर बैठोगे तो आपको कुछ नया फील नहीं आने वाला कार में, आपको सेम वही इंटीरियर मिल रहा है जो आपको नियोस और ऑरा में मिला है, तो ऐसा कुछ नया बंदे को फील नहीं आएगा जब भी वो कार ड्राइव करेगा। तो वो मुझे लगता है पर्सनली फील होता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप एक नया सेगमेंट में आप एक कार लेके आ रहे हो, तो कंपनी को एटलीस्ट इंटीरियर में भी चेंजेस करने चाहिए थे, जिस तरीके से हुंडई ने इस कार के एक्सटीरियर में चेंजेस किए, उस तरह से इंटीरियर को भी एक रिफ्रेशिंग लुक के साथ लाते, एक नए लुक के साथ आती तो ज्यादा बेटर होता। सो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा इस कार में, वो लगता है इसके टायर साइज को लेके। जिस तरह से इस कार के डायमेंशन है, उस हिसाब से इसके जो टायर साइज दिए गए हैं इस कार में, वो प्रोपोर्शनेट नहीं जा रहे कार से, और थोड़ा सा ऑड फील लगते हैं। बिकॉज कार की विड्थ, टायर्स की विड्थ ना वो बहुत कम है, तो मुझे वो फील होता है कि टायर साइज अप्रोप्रिएट नहीं है कार के हिसाब से। तो ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे इसमें एक नेगेटिव पॉइंट लगा ये। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा इस कार में, वो सस्पेंशन से रिलेटेड है। वैसे तो सस्पेंशन इसके सॉफ्ट साइड पे है, आपको ज्यादा जर्क वगैरह फील नहीं होगा, बट सिटी में इसका सस्पेंशन अच्छा वर्क करेगा, बट वहीं अगर बात करी जाए किसी ऑफ रोड पैच में, तो उस जगह पे आपको इसके सस्पेंशन में उतना कंफर्ट फील नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ ऑफ रोड के प्रोस्पेक्ट से, तो यस उस हिसाब से जो सस्पेंशन ट्यून किया गया आपको फील होंगे, अगर आप किसी ऑफ रोड जगह पे चला रहे हो या किसी खराब रास्ते पे चला रहे हो, तो आपको वो गड्ढे वगैरह फील होंगे इस कार पे। तो ये एक पॉइंट मुझे लगा कि जो इसमें नेगेटिव है। अगर नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट मेरा कह सकते ओपिनियन है कि मुझे फील हुआ वो है बिल्ड क्वालिटी को लेके। ऑल्दो 6 एयरबैग आते हैं इस कार में, बट कहीं ना कहीं एयरबैग आपका बिल्ड क्वालिटी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपके स्ट्रक्चर क्वालिटी कार की इतनी अच्छी नहीं है, तो वो एयरबैग वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाएगा कभी भी। तो आप एक स्ट्रक्चर क्वालिटी को एयरबैग के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वो मुझे फील हुआ। बिकॉज सेम प्लेटफॉर्म पे आ रही है जिसमें आपकी हुंडई i10 और ऑरा आती थी। हुंडई i10 ने एनकैप में कितने स्टार अचीव किए हैं वो हम सबको पता है, तो उसी हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो मुझे लगा कि अगर जैसे कंपनी स्ट्रक्चर चेंजेस में भी ध्यान देती, बट आई नो स्ट्रक्चर चेंजेस करना बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, तो ये चीज होना पॉसिबल नहीं है, बट उसी हिसाब से बोलूं तो मुझे बिल्ड क्वालिटी को लेके भी एक इशू है कार के। अदरवाइज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे फीचर्स कंपनी ने ऐड किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अगर इसके साथ साथ स्ट्रक्चर में भी वो मजबूती, वो सॉलिडनेस आ जाती, बिल्ड क्वालिटी में भी वो सॉलिडनेस आ जाती, तो आई थिंक और अच्छा होता इस कार के लिए। तो गाइस ये तो रहे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, बट अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। जिस तरह से इस कार में नेगेटिव पॉइंट्स है, उसी तरह इस कार में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो बात करें सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो ये कार इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ आने वाली कार है।
इस सेगमेंट में आपको और किसी कार में इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितना इस कार में आपको मिलेंगे। इस कार में ऐसे कई सारे फीचर हैं जो फर्स्ट इन क्लास है, वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना इस कार के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट लेके आती है। इस कार में आपको सेफ्टी फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ आपको कन्वीनियंस के लिए भी बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। इन बिल्ट डैश कैम जिसको आप सेफ्टी कन्वीनियंस दोनों के साथ जोड़ सकते हो, सनरूफ आपको मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, ABS, EBD, हिल असिस्ट, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी प्लस इसमें आपको मिलते हैं। 6 एयरबैग के साथ ये कार आती है, तो फीचर के हिसाब से ये कार बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो गाइस सिर्फ फीचर ही नहीं, अगर मैं बात करूँ इसके ड्राइव रिव्यू की, 4 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ ये कार आती है, तो इस कार में आपको कहीं से भी नॉइज एंड वाइब्रेशन के इशू नहीं आने वाला। अगर आप कैबिन के अंदर बैठोगे, इंजन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, कैबिन में बिल्कुल भी कोई नॉइज़ नहीं मिलेगा आपको इंजन का, कोई वाइब्रेशन नहीं है कार में, NVH लेवल बहुत लो है कार का। बात की जाए इसके ड्राइव रिव्यू की, अगर ड्राइव एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो कार की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत अच्छी है। कार का अगर पिकअप बात करूँ, कार में बहुत अच्छा पिकअप है, आप जब भी कार को एक्सेलेरेट करोगे कार रिस्पॉन्स करती है। टो एंड टॉक कार का काफी अच्छा है, मिड रेंज में भी कार काफी अच्छा चलती है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको फील होगा जब वो है रोड नॉइस का, आप जब भी कभी एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको वो रोड नॉइस कैबिन में थोड़ा सुनाई देती है, बट उसके अलावा इंजन से कोई नॉइज नहीं है। हैंडलिंग कार की बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब से एक हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ये कार आती है, तो उस हिसाब से बॉडी रोल कार में इतना आपको फील नहीं होने वाला। बात की जाए स्टीयरिंग रिस्पांस भी कार का बहुत बढ़िया है, क्लच बहुत लाइट है, आपको सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस कार को चलाते हुए। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस कार में जो आपको एक अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस देते हैं जब भी आप इस कार को चलाते हो। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों को ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरा हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक कस्टमर हो और आप देख रहे हो नियोस की तरफ, तो उस केस में आप नियोस को छोड़ के आप एक्स्ट्रा की तरफ मूव हो सकते हो, बिकॉज नियोस से ज़्यादा वैल्यू फॉर डील आपको एक्स्ट्रा में मिलने वाली है। बिकॉज इस कार में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, इस कार में आपको इंटीरियर तो देखो दोनों में सेम ही आ रहा है, फीचर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, प्लस एक ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको एक हैचबैक्स में मिलती है उससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है। ड्राइव एक्सपीरियंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा है कार का, ब्रेकिंग कार की काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग मैंने आपको पहले बता चुका था, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, हैंडलिंग अच्छी है कार की, ब्रेकिंग भी कार की बहुत अच्छी है, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इस कार में। तो गाइज मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप नियोस या उसकी तरह कोई हैचबैक देख रहे हो तो उस केस में आप एक्स्ट्रा की तरफ जा सकते हो। सो गाइज अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो गलत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।